बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करूंगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की, कि जिसको लेकर बहुत सा मसला बना हुआ था व्हाट्सएप यूज़र को, तो वो मसला हल हो गया, वो परेशानी ख़त्म हो गई। व्हाट्सएप ने अपने सार्फीन की परेशानी को देखते हुए ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो शेयर की हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा। नंबर एक, व्हाट्सएप कभी भी आपके प्राइवेट मैसेजेस और कॉल्स नहीं देखता और ना ही फेसबुक देखता है। तो व्हाट्सएप ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कभी भी आपके प्राइवेट मैसेजेस, प्राइवेट चैट है जो, उसको कभी भी नहीं देखता और ना ही वो फेसबुक देखता है। व्हाट्सएप ये बताता है कि उसके एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यही मतलब है कि जो आप मैसेज करते हैं, जो आप चैट करते हैं, वो सिर्फ आप देख सकते हैं या आप जिसको सेंड करते हैं वो देख सकता है, दरमियान में कोई बंदा उन्हें रीड नहीं कर सकता, हत्ता कि व्हाट्सएप भी उन्हें रीड नहीं कर सकता। नंबर दो, व्हाट्सएप आपका लोगो नहीं रखता जो हर कोई मैसेज करता है या कॉल करता है। इसका मतलब यह है कि जब आपको कोई मैसेज करता है, कोई पिक भेजता है, कोई लोगो भेजता है, तो वो व्हाट्सएप जो है वो नहीं रखता, और जब कोई कॉल कर रहा होता है तो उसका जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, उसका जो लोगो आ रहा होता है, तो व्हाट्सएप वो ये भी क्लियर कर रहा है कि व्हाट्सएप ना ही आपका लोगो रखता है चैट का और ना ही आपकी कॉल का लोगो जो है वो अपने पास सेव रखता है। नंबर तीन, व्हाट्सएप आपका मुश्तरका मुकाम नहीं देख सकता और ना ही फेसबुक देख सकता है। इसमें व्हाट्सएप ये बता रहा है कि जब आप किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, आप फ़लाँ जगह पर आ जाओ, तो वो लोकेशन जो होती है वो व्हाट्सएप आपकी महफूज रखता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो इसी तरह व्हाट्सएप बता रहा है कि फेसबुक भी ऐसा नहीं करता, ना ही व्हाट्सएप आपकी लोकेशन किसी दूसरे फर्द को बताता है और ना ही अपने पास सेव रखता है और ना ही फेसबुक ऐसा करता है। नंबर चार, व्हाट्सएप आपके रابطے को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप जो है वो आपके कॉन्टैक्ट्स को हैं, जो आपके नंबर हैं, जो आपकी फ़ोन डायरी है, उसको फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। तो इसमें भी व्हाट्सएप ये भी क्लियर कर रहा है कि व्हाट्सएप आपकी जो प्राइवेसी है उसको मुकम्मल महफूज रखता है, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, आपके जो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको महफूज रखता है। नंबर पाँच, आप अपने पैगामात को गायब करने के लिए तरतीब दे सकते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप ये बता रहा है कि आप जैसे एक स्टेटस लगाते हैं जिसमें आप ओनली फॉर माय कॉन्टैक्ट या समवन एक्सेप्ट समवन, तो इसमें वो आप कर सकते हैं कि आप किसी को गायब कर सकते हैं, किसी को वो स्टेटस अपना शो करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ये बता रहा है कि आप जिससे अपने पैगामात गायब करना चाहें उसे गायब कर सकते हैं, जिससे दिखाना चाहें उसे दिखा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ये भी बता रहा है कि ये चीज़ भी आपकी सेव रहती है। नंबर छः, व्हाट्सएप ग्रुप्स निजी रहते हैं, यानी व्हाट्सएप पर आपने जो ग्रुप्स बनाए होते हैं वो प्राइवेट रहते हैं, उनकी मुकम्मल जो है प्राइवेसी वो महफूज रहती है। आप जब ग्रुप, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो डाटा शेयर कर रहे होते हैं, जो पिक्स सेंड कर रहे हैं, जो आपकी चैट हो रही होती है ग्रुप्स में, जो जो बंदे होते हैं वो उन ग्रुप्स वालों को ही पता होता है। तो व्हाट्सएप ये बात भी क्लियर कर रहा है कि व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं वो निजी रहते हैं, वो प्राइवेट रहते हैं, उनमें व्हाट्सएप का कोई अमल दखल नहीं होता। नंबर सात, आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो जब आप कभी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करें और फिर इंस्टॉल करें, तो फिर जब आप अपना फ़ोन नंबर देते हैं तो वहाँ पर सेटअप होने से पहले एक मैसेज आता है कि बैकअप। तो ये वो बैकअप की बात कर रहे हैं कि आप अपना जो है डाटा वो बैकअप कर सकते हैं और वो भी मुकम्मल महफूज रहता है, उस वो भी मुकम्मल प्राइवेट रहता है, आप वहाँ से अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह व्हाट्सएप ने अपने सार्फीन के परेशानी को देखते हुए नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसकी वजाहत जारी कर दी है, कि बहुत से लोग सोच रहे थे कि जी अब हम व्हाट्सएप को छोड़ दें, अब वो किसी और ऐप की तरफ मूव हो जाएं, तो उनकी परेशानी जो है वो ख़त्म हुई। अब वो उनका तकरीबन व्हाट्सएप ने खुद ही वजाहत करके ये मसला हल कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए
अच्छी खासी मददगार भी साबित हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।